मताकी, भारत मताकी। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी राज्य सरकार की ओर से यहाँ जितने भी लोग हमारे दोस्त माता पिता भाई बहन जितने भी लोग आए हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि इस बार के जो गांधी जयंती है पूरे देश भर में जो जिस प्रकार से मना रहे हैं वो एक अलग डायनेमिक्स में आके पहुंचा है। थोड़ा देर पहले हमारे होम मिनिस्टर श्री बाबा फिलिप्स जी ने आप लोगों को एक याद दिलाया 2014 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके जो ब्लैक फोर्ट में जो फ्लैग होस्टिंग हुआ तो वहां से उन्होंने देश को एक डायरेक्शन दिया, देश को उन्होंने एक नया संकल्प दिया कि बाय 2019 तक इस देश में हमारे ODF हम लोगों को लेके आना है, सस्ता हम लोगों को बनाना है। तो उस वक्त बहुत सारा देश में मीडिया में काफी चर्चा चला और चर्चा हमारे गरीब जनता या अनपढ़ लोग चर्चा नहीं किया, चर्चा किया तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समाज के अच्छे पोजीशंस में हैं, सोसाइटी के नामी दामी, वो लोग चर्चा किया। उन लोगों ने प्रश्न उठाया कि ये प्रधानमंत्री कैसा प्रधानमंत्री है, रेड फोर्ट से जनता को अपील करता है कि आप लोग साफ सफाई करो, जनता को अपील करता है कि आप लोग टॉयलेट बनाओ, ये कैसा प्रधानमंत्री है। 5 साल के बाद 2019 सेकेंड अक्टूबर 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन, आज देखिए कि कितना फर्क आके बैठा है। पूरा देश का सोच विचार अभी बदल चुका है, केवल देश ही नहीं बल्कि हमारे देश का जो हमारे देश का एक्सपेक्टेशंस है उसका जो लेवल है विदेश फॉरेन कंट्रीज में कितना ऊंचा तक लेके गया है। आज के इस दिन में आप लोगों को सुन के गर्व होगा कि पूरे देश भर में कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग के मुताबिक 10 करोड़ से भी अधिक शौचालय पूरे सरकार ने लेके गांव वाले तक पहुंचाया है और यही नहीं बल्कि ओपन डेफिकेशन फ्री लगभग 6 लाख गांव पूरे देश में मोर देन 6 लाख विलेजेस को ODF का घोषणा हो चुका है। और अरुणाचल प्रदेश में आप सबको पता है 2017 में हम लोग ने ODF रूरल का टारगेट हम लोग ने अचीवमेंट किया है और इसी वर्ष कुछ ही दिन पहले ODF अर्बन भी हम लोग ने पूरा अचीवमेंट किया है। इस प्रोग्राम को गति देने के लिए आप सबको पता है पिछले 3 साल में राज्य सरकार ने भी बहुत सारा धनराशि दे के दूर दराज में टॉयलेट बनाने का काम किया है। केंद्र सरकार से जो धनराशि आता है उसको ऊपर में फिर स्टेट से 8,000 रुपया एक टॉयलेट के लिए एक्स्ट्रा हम लोग डफ टेल करते हुए तो गांव में जाके हम लोग टॉयलेट बनाया है। कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में 2 लाख से भी अधिक शौचालय हम लोग ने गांव वाले तक लेके किया है और इसमें जो स्टेट का पैसा जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है लगभग 130 करोड़ अर्बन और रूरल दोनों को मिला के 130 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने इसमें खर्चा किया। रिवर्स के नाम में केवल 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उस वक्त में, ना गाड़ी है ना रास्ता है, इतना यूनाइटेड अरुणाचल था। और उस वक्त का जो प्लानिंग एंड प्रोसेस इतना अच्छा था, प्लानिंग प्रोसेस बहुत अच्छा था। बाद में धीरे धीरे 1987 में जब हम लोगों का स्टेटहुड मिला तो अरुणाचल एक इंडिपेंडेंट एक राज्य हो गया। उसके बाद से सब लोग ने प्रयास किया क्योंकि डेमोक्रेसी आ गया, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट हो गया। इसके बाद धीरे धीरे बाद में फिर पंचायत सिस्टम भी आ गया। डेमोक्रेसी को किस हिसाब से लेके जाना है सब लोग ने बहुत कोशिश किया अच्छा दिशा में लेके जाने के लिए, मगर आज के दिन में हम लोग देखिए स्टेटहुड मिलने के बाद वी हैव क्रॉस 33 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड इन अरुणाचल। इस 33 ईयर्स का जो जर्नी है क्या हम लोग ने सही जर्नी तय किया ना थोड़ा बीच में कहीं गलत होके हम लोग ने जर्नी को तय किया हुआ है, तो बहुत सारा प्रश्न मन में आज के दिन में उत्तर है। और खास करके आज
यहाँ पे मैक्सिमम जो क्राउड है हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और स्कूल्स के छात्र लोग हैं, उनके मन में तो ऑलरेडी ज्यादा प्रश्न जरूर उठते होंगे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग डिलेड होके आगे बढ़ने का कोशिश हम लोग कर रहा। अभी देखिए उस वक्त में 5 डिस्ट्रिक्ट इतना अच्छा, इतना खुशी जिंदगी वहां पे हम लोग बिता रहा था। आज के दिन में करीबन 25-26 डिस्ट्रिक्ट होके बैठा है और भी पता नहीं कितना डिस्ट्रिक्ट का डिमांड हमारे सरकार के पास में आने वाला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये जेन्यून है अरुणाचल को और भी छोटा छोटा टुकड़ा करना, डिस्ट्रिक्ट के नाम में और भी टुकड़ा करना?